परिवर्तन होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से भारी अंतरालों से चुनाव जीत रही है। सीधा मुकाबला है यहाँ भाजपा के साथ है ना, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार भारी अंतरालों से सभा चुनाव जीते हैं और उसमें भी सहयोग हम लोग किए हैं, तो विधानसभा वैसे सहयोग। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द जार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी तोरपा में हूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर आज सेकेंड लास्ट दिन है चुनाव प्रचार का, और अभी हम तोरपा विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम के उम्मीदवार सुदीप जी के साथ हैं। हम इनके कार्यालय में पहुंचे हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि अब तक जो है आप क्षेत्र का जो भ्रमण किए, किस तरह का अभी तक का रुझान रहा है। सबसे पहले तो जोहार और रुझान की बात है तो रुझान आपने देख ही लिया है। तोरपा विधानसभा की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से भारी अंतरालों से चुनाव जीत रही है। आपको चूंकि पार्टी ने दूसरा ऐसा मौका दिया है ना, और दूसरे पहले क्या चुनौती थी, इस बार क्या चुनौती है? देखिए, पिछली चुनौती वैसे चुनाव में चुनौतियां तो होती है, लेकिन बात रह गई कि 5 साल हमने जनता के बीच में काम किया है तो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, चुनौती कुछ नहीं है, बस चुनौती। आप चूंकि मुखिया का पद संभाल चुके हैं और लोगों को काफी करीब से जानते हैं, गरीबी क्या है, समस्या क्या है क्षेत्र में, तो इस चीज को काफी करीब से जानते हैं। चुनाव जीतने के बाद आप पहला ऐसा क्या काम करेंगे जो लोगों को काफी पसंद आए? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले देखिए क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पलायन, तो पलायन को देने के लिए हमने एक मास्टर प्लान अपना बनाया है एग्रीकल्चर। किसी के क्षेत्र में अगर मान लिया अगर विकास करते हैं ना, तो रोजगार का सृजन भी होगा और क्षेत्र का विकास। आप ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको आपका तोरपा विधानसभा क्षेत्र वाला की कुटी जिले में ये समस्या है कि मानव तस्कर जो है काफी हावी रहता है क्षेत्र में, और तोरपा विधानसभा क्षेत्र हो, कुटी विधानसभा क्षेत्र हो, कुटी जिले के अलग अलग क्षेत्रों से, लेकिन तोरपा विधानसभा क्षेत्र में इस चीज को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से देखिए, ये पलायन है, ये पूरा कुटी जिला में, ये पूरे जैसे आपका दक्षिण छोटाउपुर प्रमंडल में इस तरह की समस्या है। इसके लिए हमने मास्टर प्लान बनाया है और इसके अंतर्गत हमने कृषि है, उसके बाद साथ में आपका पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार सृजन कर लोगों को रोजगार देने का हमारा प्लान है। काफी आप लोग थक चुके होंगे, प्रचार प्रसार काफी तेज हो चुकी है, हमको ये बता दीजिए कि इस बार ये जो चुनाव आप जो अभी प्रचार प्रसार करके आ रहे हैं विधानसभा चुनाव 2024 में, तोरपा विधानसभा क्षेत्र में आप अपना निकटतम प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? देखिए, चुनाव में जो भी चुनाव लड़ता है तो प्रतिद्वंदी होता है, और देखिए यहाँ पर तो चुनाव में सीधा मुकाबला है यहाँ भाजपा के साथ है ना, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार भारी अंतरालों से चुनाव जीत रही है। क्या अंतराल होगा बताइए लोगों को? वो तो चुनाव के बाद आप भारी अंतराल होगा, स्पष्ट नहीं बताएंगे। बिल्कुल, सुदीप जी जो है अभी पूरे टीम के साथ हैं, प्रचार प्रसार से वापस लौट रहे हैं, मौके से ये हमें पकड़ा गया अभी ऑफिस में, तो हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे जनता को, अभी जनता को क्या कहेंगे अपील? जनता की यही अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव में जरूर भाग लें, और भाग तो लें लेकिन चुनाव में वो सही उम्मीदवार को चुने जिससे कि उनका सुख में दुख में हमेशा साथ हो। एक और सवाल, गठबंधन से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? सभी तरह का सहयोगी, गठबंधन के सहयोगी से हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो सहयोगी सपोर्ट किस तरह से क्षेत्र में, जिस तरह से हम लोग लोकसभा चुनाव जीते हैं और उसमें भी सहयोग हम लोग किए हैं, तो विधानसभा वैसे सहयोग हो रहा है। बिल्कुल, तो ये तोरपा विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम के आप ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम के उम्मीदवार सुदीप गुड़िया जी हैं, और इनका दावा है कि ये भारी मतों से तोरपा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने जा रहे हैं। फिलहाल इनके पास समय का अभी काफी अभाव है, इनका ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।